नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका रूपल की रसोई में आज हम आपके लिए होली स्पेशल बहुत ही कलरफुल और बहुत ही डिलिशियस सी एकदम न्यू रेसिपी लेकर आए हैं जिसे हमने तैयार करा है बीट रूट से तो चलिए बनाते हैं रेसिपी तो बीट रूट को हमने कुकर में उबाल लिया था पाँच से सात हमने इसकी विसिल लगाई थी और इसका छिलका हटा लिया है इसी के साथ हमने ली है ब्रेड की स्लाइस तो सिक्स स्लाइस हमने यूज करी है जिसे हम फुल यूज करेंगे इसकी कॉर्नर का भी हम इस्तेमाल करेंगे अब हम इसे एकदम बारीक मिक्सी में इस तरह से पीस लेते हैं ब्रेड को और दूसरी तरफ हमारा जो चुकंदर है उसे भी हमने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है और एकदम बारीक इसका भी पेस्ट तैयार कर लेंगे अब एक पैन हमने गर्म होने रखा है और उसमें डाला है हमने दो कप भरकर चीनी तो अभी हमने एक कप चीनी डाली है और इसी के साथ डाल देते हैं एक कप चीनी और और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे दो कप भरकर पानी और चीनी और पानी को अच्छे से घुलने देते हैं अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं और इसमें हमें किसी भी कलर की केसर की या कलर की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी जो रेसिपी है बहुत ही कलरफुल है इसी के साथ हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर चार से पाँच इलायची का हमने पाउडर तैयार करा है उसे भी हम इसमें छोड़ देते हैं और दो बॉईल आने तक हम इसे पकाएंगे तो हमें इसकी चाशनी तो तैयार नहीं करनी है बस ये चिपचिपा सा महसूस होगा तो आप देखिए इसमें अच्छा से बॉईल आ चुके हैं दो और अगर हम इसे चेक करते हैं तो ये चिपचिपी सी महसूस हो रही है अब हम इसे साइड में रख देते हैं फ्लेम को ऑफ कर देते हैं अब हमने एक कढ़ाई गरम होने रखी है और उसमें डालेंगे एक चम्मच भरकर हम घी घी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं घी हमारा मेल्ट हो चुका है वन फोर्थ कप हम इसमें डालेंगे सूजी और सूजी को हम तीन से चार मिनट तक लगातार हिलाते हुए भून लेंगे जब तक कि हमारी सूजी में अच्छी से खुशबू ना आ जाए और ये फुल कर एकदम हो जाए तो तीन से चार मिनट में हमारी सूजी अच्छे से पक जाती है ये देखिए और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा तो सूजी हमारी अच्छे से भून चुकी है अब हम इसमें डालेंगे अपना पीसा हुआ चुकंदर तो आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डालकर भी इसे पीस सकते हैं और अच्छे से सूजी के साथ हम इसे मिक्स कर लेंगे फ्लेम को हम स्लो कर देंगे जिससे नीचे चिपके ना और वन फोर्थ कप हम लेंगे पानी और मिक्सी जार को धोकर इसमें छोड़ देते हैं जिससे अच्छे से पक जाएगा और नीचे तले में चिपकेगा भी नहीं लगातार हिलाते हुए दो से तीन मिनट तक हमने चुकंदर और सूजी को पकाया है अब इसमें डाल देंगे हम अपनी बारीक पीसी हुई ब्रेड और दोस्तों अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर अभी तक आपने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो उसे भी जरूर ज्वाइन करिएगा मेरे चैनल पे एकदम न्यू रेसिपी आपको मिलेगी तो बची हुई जो ब्रेड थी उसे भी हम मिक्स कर लेते हैं सारे सामान को हमने देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और लीड लगाकर हम इसे पांच मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे लीड लगा देते हैं पांच मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे और एक बार वापस हम इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालने वाले हैं वन फोर्थ कप मिल्क पाउडर तो फ्लेम हमारा ऑफ है उम्र पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और किसी दूसरे बर्तन में हम इसे ट्रांसफर करके हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एकदम चिकना कर लेंगे तो हमने एक प्लेट में से निकाल लिया है और तो थोड़ा सा हम प्लेट में डालेंगे घी और जिस तरह से हम गुलाब जामुन के लिए मावे को प्रेस करते हैं हथेली से उसी तरह से हमने इसे भी एकदम चिकना कर लिया है और ये देखिए इस तरह से हमने इसकी गोल गोल सी बॉल तैयार कर ली आप चाहें तो किसी भी शेप में से तैयार कर सकते हैं सारी बॉल्स हमारी रेडी है अब हम इन्हें करेंगे फ्राई तो फ्राई करने के लिए हमने घी गर्म होने रखा है आप चाहें तो इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हैं तो घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है एक छोटी सी बॉल हम इसमें डालकर चेक करेंगे तो ये देखिए हमारी बॉल अच्छे से फूल कर ऊपर आ चुकी है तो एकदम परफेक्ट तैयार हुई है अब हम अपनी जितनी भी बॉल्स है उसे भी इसमें छोड़ देते हैं तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे पाँच से सात मिनट के लिए पकाएंगे तो कोई भी सामान हमारा इसमें कच्चा नहीं है बीट रूट हमने उबाल लिया था सूजी हमने पका दी थी और ब्रेड हमारी ऑलरेडी पकी हुई रहती है तो इसे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है बस हल्का सा हमें पकाना है और ये देखिए इस तरह से हम इसे उलट पुलट कर देंगे जिससे ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाए और हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो इसी तरह हम अपनी जितनी भी बॉल्स थी उसे फ्राई कर लेंगे ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी भी है तो हमारी जो छोटी सी बॉल थी हम उसे निकाल लेते हैं सबसे पहले और हल्के हाथों से हम से पलटते रहेंगे तो आप देख सकते हैं जितनी भी बॉल थी अच्छे से फ्राई हो चुकी है अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं इसी तरह से मैंने अपना जो दूसरा बेज था उसे भी फ्राई कर लिया था अब हम इन्हें चाशनी में डीप कर देंगे तो आप इसे चार से पाँच घंटे के लिए चाशनी में डीप करिएगा जिससे बहुत ही जूसी तैयार होगी अब हम इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग तो मैंने डायरेक्ट इस तरह से इसकी प्लेटिंग करी है सारी बॉल्स पे अब हम डाल देंगे अपनी चाशनी को तो चाशनी को हमें हल्का सा गरम करके छोड़ना है और चार से पाँच घंटे के लिए हम इसे चाशनी में भिग कर छोड़ेंगे ऊपर से हम इसे पिस्ते से गार्निशिंग करेंगे और कुछ अबरक से तो दोस्तों तैयार है हमारी डिलीशियस सी रेसिपी और ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर कर जरूर बताइएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग